देखो आज का जो आर्टिकल है वो हिंदू का है, द हिंदू का, और बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए इस आर्टिकल को ढूंढा गया है आपके लिए। आज का आर्टिकल है और इसका जो हेडिंग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग है। लिखता है कि फोकस ऑन द फीटस फॉर द फ्यूचर, फोकस ऑन द फीटस फॉर द फ्यूचर। मतलब फीटस का मतलब आप लोगों को पता है, माँ के गर्भ में जो पल रहा बच्चा, जो पल रहा होता है, भ्रूण जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसी को फीटस कहते हैं। तो फोकस ऑन द फीटस फॉर द फ्यूचर। अब ये पूरा स्टेटमेंट है, इसका मतलब यदि आप समझना चाहेंगे तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको ये आगाह किया जा रहा है इस आर्टिकल के द्वारा कि जब आप प्रेगनेंसी के पीरियड में रहती हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और उस पे ध्यान देने से कितनी बड़ी त्रासदी को हम रोक सकते हैं, कितनी बड़ी बीमारी को हम रोक सकते हैं जो इंटरजेनरेशनल डिजीज के रूप में उभरते चले आता है। तो इसी पे पूरा का पूरा आर्टिकल है। ये जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक जो कल मैंने आपको आर्टिकल बताया था वो भी शायद हेल्थ से ही रिलेटेड था, आज का भी यही है। तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे उसको आप रिलेट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग इसने किया है कि बहुत पहले से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत पहले से ही काफी ज्यादा स्पीड पकड़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, ये सब मतलब काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। और इसी में हाइपर ग्लीसेमिया एक बीमारी है, आप लोगों को मैं बता दूं। हाइपर ग्लीसेमिया, हाइपर ग्लीसेमिया क्या है कि आपके शरीर में, ये डायबिटीज के बारे में है कुल मिला के, आपको मैं पहले बता दूं ताकि आप रिलेट कर सको चीजों को। हाइपर ग्लीसेमिया क्या है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब जितना एवरेज होना चाहिए, हाइपर ग्लीसेमिया में आपके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जितना एक्चुअली में होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। और यही यही शुगर ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और जब ये ब्लड वेसल में जाता है तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज करने के लिए पर्याप्त। आप फिर से समझिए कि ब्लड शुगर जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ब्लड वेसल में चला जाता है, और ब्लड वेसल में जब वो शुगर चला जाएगा तो आपके जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज करने के लिए सफिशियंट है। वाइटल ऑर्गन में आपका हार्ट हो सकता है, आपके आईज हो सकते हैं, आपकी किडनी हो सकती है, आपका आपका ब्रेन हो सकता है, आपका नर्वस सिस्टम हो सकता है, आपकी किडनी हो सकती है। ये सारी चीजों को डैमेज किया जा सकता है बहुत इजिली यदि ब्लड शुगर आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो। अब इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एक डेटा बताता है और कहता है कि 2021 तक पूरे वर्ल्ड में 537 मिलियन पीपल जो थे वो डायबिटिक थे, मतलब डायबिटीज से पीड़ित थे। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF का डेटा है जो ये कहता है 2021 में 537 मिलियन पीपल जो थे वो डायबिटीज से पीड़ित थे, डायबिटीज से इन्फेक्टेड। इसी डेटा को यदि एक्सट्रापोलेट कर दें आप 2045 तक, कि इसी स्पीड में यदि बढ़ता रहा, जिस स्पीड में डायबिटीज बढ़ रहा है, तो 2045 तक यदि इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे आप तो आपका ये फिगर बन जाएगा 783 मिलियन। मतलब जो फिगर आपका 537 मिलियन है 2021 में, ये 2045 आते आते 783 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटीज से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज राइटर ने लिखा है कि हर दूसरे में से एक व्यक्ति जो है वो डायबिटिक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी डायबिटिक है लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। आप समझिए इस बात को, मतलब रिपोर्टेड केस में, मतलब जैसे उसने टेस्ट कराया और उसको पता चल गया कि उसको डायबिटीज है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो टेस्ट ही नहीं कराते हैं जबकि उनको भी डायबिटीज है। आप समझिए कि मतलब हर दूसरे में से एक व्यक्ति जो है उसका डायबिटीज अनरिपोर्टेड है, मतलब वो येट टू बी डिटेक्टेड, ऐसे आप समझते। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि इसका रीजन क्या हो सकता है, इतना ज्यादा डायबिटीज केसेस आ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। सबसे पहला रीजन इसमें है एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, आप लोगों को पता है,
मतलब एवरेज एज काफी ज्यादा बढ़ा है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से डायबिटीज बहुत ज्यादा है। इसके बाद दूसरा यदि हम बात करें तो अर्बनाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा, आप देखिए गांव में आपको, अब तो खैर गांव में भी बहुत पर्याप्त मात्रा में लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको शहर में ज्यादा है, कंपैरेटिवली विलेज एरिया शहर में ज्यादा लोग हैं जो डायबिटिक हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात की जा रही है, मतलब जीन पे भी बहुत ज्यादा, यदि मैं डायबिटिक हूं तो देयर आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि मेरा ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी डायबिटीज हो जाएगा, उसको भी डायबिटीज हो जाएगा, वो भी डायबिटिक हो जाएगा। तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी, जो हम लोग फास्ट फूड और अलग अलग चीजें खा पी रहे हैं, जो अनहेल्दी चीजें हैं, उसकी वजह से भी ये डायबिटीज हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ स्टाइल ट्रांजिशन। पहले लाइफ स्टाइल आपकी कुछ और थी, आज के डेट में लाइफ स्टाइल ट्रांजिशन कुछ अलग तरीके से, रात में आप जगते हैं, दिन में सोते हैं, तो इस तरीके से चीजें होंगी तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो पड़ेगा। ये सारे रीजन्स हैं, एजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल ट्रांजिशन, ये सब चीजें हैं जो आपके डायबिटीज को बढ़ावा देती हैं, इसी वजह से होता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी एक चीज सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट की जाती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, अब आर्टिकल का मेन जिस्ट आ रहा है। ये एजिंग पॉपुलेशन मान लिया डायबिटीज कराता है, अर्बनाइजेशन चलो मान लिया इससे भी होता है, इसके साथ साथ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट इससे भी हो जाता है, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन मतलब जिस तरीके का न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उससे भी हो जाता है, और आपका जो ये ट्रांजिशन है लाइफ स्टाइल ट्रांजिशन उससे भी होता है। लेकिन एक जो चीज है जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है, उसी पे आर्टिकल लिखा गया है, वो क्या है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज, मतलब कि प्रेगनेंसी के समय में भी डायबिटीज होता है। दो वर्ड इसमें यूज किया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक प्री जेस्टेशनल डायबिटीज और एक जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब क्या हुआ कि जब वो कंसीव कर रही है लेडी, जब वो प्रेग्नेंट हो रही है, उस समय उसको डायबिटीज हो गया, उसका शुगर लेवल इतना ब्लड में बढ़ गया कि उसको डायबिटीज हो गया। और दूसरा प्री जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब पहले से ही उनको डायबिटीज है, उनके ब्लड में पहले से ही शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो कुछ और ज्यादा हो। तो जो पहले से ज्यादा है, यदि पहले से ही प्रेगनेंसी से पहले से ही उनके उनका ब्लड शुगर काफी ज्यादा है तो उसको प्री जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, और यदि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का शुगर लेवल काफी ज्यादा हो गया, एवरेज से ज्यादा हो गया, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और इन्हीं दोनों को मिला के हम हाइपरग्लिसेमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं, HYP, HIP, हाइपरग्लिसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी, HIP, इन दोनों को मिला के कहते हैं। दोनों का मतलब प्री जेस्टेशनल डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। आप लोगों को सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में 16.7% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, HYP जिसको बोलते हैं, मतलब हाइपरग्लिसेमिया इन प्रेगनेंसी, जिसमें आप प्री जेस्टेशनल डायबिटीज लिख सकते हो या जेस्टेशनल डायबिटीज लिख सकते हो, दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 16.7% लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, और इंडिया की केस यदि हम बताएं तो हर चार में से एक एक फीमेल जो है वो इस HIP से इन्फेक्टेड है। तो ये चीजें हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस आर्टिकल में लिखा गया है, 1980 में एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था प्रोफेसर डेविड बार्कर, इसको ध्यान से समझ लेना, ये एक थ्योरी की बात करता है। 1980 में एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था प्रोफेसर डेविड बार्कर, BARKER, और डेविड पता है DAVID, डेविड बार्कर। इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था फीटल ओरिजिन्स ऑफ एडल्ट डिजीज, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज। इसको बहुत टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ है, आप एकदम नॉर्मल तरीके से समझिए, वो मैं आर्टिकल वाला चीज नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। महाभारत का प्रसंग आप लोगों को थोड़ा याद होगा, अभिमन्यु जब जब वो पेट में जब था ना अभिमन्यु, तो उसने मतलब 7 चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है वो सीख लिया था, शायद 8वां कैसे तोड़ा जाता है वो उसको उसने नहीं सीखा था, और इसी वजह से वो मारा गया युद्ध। मतलब कि जब वो जयद्रथ ये लोग मिलके उसको मारे थे तो वो बहुत सी चीजों को ब्रेक करते हुए चला जा रहा था, एक वो नहीं सीख पाया था, पता नहीं क्या क्या रीजंस थे। वो महाभारत का पूरा प्रसंग मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वो सो गई थी सुभद्रा या कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाया था।
साथ उसने अपने माँ के पेट में ही सीख लिया था। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो फीटल ओरिजिन एडल्ट डिजीज है ना, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बच्चा पेट में रहता है ना, जब बच्चा बाहर नहीं आता है, जब बच्चा 7 महीने 8 महीने 9 महीने का ही होता है, तो उस समय जो कुछ भी आपके अंदर होता है ना, वो सारी चीजें बच्चे के, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है ना, प्रोग्रामिंग हो रहा है प्रोग्रामिंग, तो उसी तरीके से उसका प्रोग्रामिंग चालू हो जाता है। मतलब यदि आपका शुगर लेवल ज्यादा है तो बच्चे का शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा, यदि आप टेंशन में ज्यादा है तो टेंशन में ज्यादा हो जाएगा। यही बताया है इन्होंने फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज में कि ये सारी चीजें जो जिस तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी के समय में रहिएगा उसी तरीके का इम्पैक्ट उस बच्चे पे आएगा। यदि आप बीमार हैं तो बच्चे को बीमारी हो जाएगी, यदि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो देयर आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि उस बच्चे को बड़े होने पे शुगर हो जाएगा। और इसमें ये इस थ्योरी में ये बोला गया है कि स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, मतलब जो कोडिंग कर दिया गया है वो कोडिंग तुरंत होते होते बच्चे में नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो एडल्टहुड की अवस्था में आएगा तो वो सारी बीमारी उसको हो जाएगी जो कहीं ना कहीं उसको प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मां को। तो इसीलिए राइटर ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब अच्छा उसमें एग्जांपल कैसे दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि अब ये मदर का शुगर लेवल बहुत ज्यादा है प्रेगनेंसी के समय, थोड़ा टेक्निकल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि मदर का शुगर लेवल ज्यादा हो गया प्रेगनेंसी के समय, तो बच्चे के पैंक्रियाज से ना इंसुलिन जनरेट होना चालू हो जाता है, बच्चे के पैंक्रियाज से इंसुलिन जनरेट होना चालू हो जाता है, और वही इंसुलिन फैट का काम करता है, बच्चे के अंदर फैट डिजोल्व होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेबी पैदा होता है, बच्चा जो पैदा होता है, वो एवरेज वेट से काफी ज्यादा भारी होता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से वो आगे चल कर हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होता है, वो खेलता कम है, लेस फिजिकल एक्टिविटी करता है, खाना ज्यादा खाने की उसको आदत लग जाती है, बचपन से ही मोटा दिखता है वो। तो ये सारे रीजन क्योंकि उनकी माँ ने अपने ब्लड शुगर पे ध्यान ही नहीं दिया, और इस वजह से उसके पैंक्रियाज से इंसुलिन जनरेट होने लगा, वो फैट डिजोल्व हो गया, और जब तो इसी तरीके की कोडिंग बनी बन गई, इसी तरीके की प्रोग्रामिंग हो गई उस बच्चे के अंदर, और जब वो बच्चा बाहर आता है तो इसी तरीके की एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है नए नए डिजीज के। और ये विशियस साइकिल चलते रहता है, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसको उसके ऑफस्प्रिंग भी ऐसे ही होंगे, फिर उसका होगा, उसका ऑफस्प्रिंग भी ऐसा होगा, तो ये वीसीएस साइकिल है, मतलब इंटरजेनरेशनल ये जो जीन है वो ट्रांसफर होते रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन। तो अब इसमें सजेशन क्या दिया जाए, सजेशन यही दिया जाता है कि देखो प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर ही जब चेक कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नॉर्मल जाके डॉक्टर से चेक कराइए आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, ये आपका, और क्योंकि 3 महीने के अंदर ही बच्चे का ऑर्गन डेवलप होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, प्रेगनेंसी के 3 महीने में ही बच्चे का ऑर्गन डेवलप होता है, और ये 3 महीने बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो इसमें आपको जाके चेक कराने की जरूरत है। फर्स्ट मीटिंग जब भी आप जाएं तो आप अपना डायबिटीज चेक कराइए। और एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सेसिया, SESHIAH, प्रोफेसर वी सेसिया, तमिलनाडु के हैं। इन्होंने क्या बोला है कि वो अपना जाके शुगर चेक करा लें, कभी कभी ऐसा होता है कि भूखे पेट भी चेक कराना पड़ता है, तो इन्होंने एक सिंगल ग्लूकोज डोज देने की बात कही है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। उन्होंने बोला है कि उनको ग्लूकोज का एक डोज दे दिया जाए, सिंगल ग्लूकोज का डोज, और उसके बाद 2 घंटे के बाद उनका शुगर टेस्ट कर लिया जाए, भूखे पेट उनको चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है, और इस चीज को माना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन। और इस ये प्रोफेसर साहब जो है प्रोफेसर सेसिया, इनका जन्मदिन इनका इनका बर्थडे होता है 10 मार्च को, तो 10 मार्च को नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया है, और इनको पद्मश्री भी दिया गया है इस साल के रिपब्लिक डे पे, और इन्होंने ही ये टाइटल दिया है फोकस ऑन द फीटस फॉर द फ्यूचर। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म।